हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि जब आप लोग Realme C35 फोन के अंदर Android 12 का न्यू अपडेट कीजिएगा तो दोस्तों अपडेट करने के बाद दोस्तों आप लोग को एक नया फीचर देखने को मिलेगा Android 12 के अंदर, जो कि दोस्तों अभी फिलहाल ही में Realme C35 फोन के अंदर वो फीचर को ऐड किया गया है, क्योंकि दोस्तों वो जो फीचर है ना काफी कमाल का है एक Realme डिवाइस के अंदर। तो आखिर वो कौन सा फीचर है, आप कैसे उसको यूज कर सकते हो, दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर आप लोगों को मोबाइल से जुड़ी एंड यूट्यूब टिप्स हरदम मिलता रहता है। और दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो, कोई अदर फोन के बारे में जानकारी चाहिए, नया अपडेट के बारे में जानकारी चाहिए, तो दोस्तों आप लोग को नीचे वीडियो के नीचे कॉमेंट कर देना है। जो आप लोग कॉमेंट करते हो ना, मैं आप लोगों का कॉमेंट के अनुसार ही वीडियो लाने का प्रयास करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फोन के स्क्रीन से। चलिए दोस्तों अब आप लोगों को बताते हैं कि आखिर एंड्रॉइड 12 के अंदर वो नया फीचर कौन सा ऐड किया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों अपने फोन को अपडेट कर लीजिएगा, तभी दोस्तों आपको वो नया फीचर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वो नया फीचर कैसे पता चलेगा, चलिए मैं अब आप लोग को बताते हैं। तो नया फीचर के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने फोन के डिस्प्ले पे थोड़ा सा होल्ड करना है। अब जैसे दोस्तों अपने डिस्प्ले पे होल्ड करते हो तो दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता होगा। अब दोस्तों आपको नीचे में क्या कहला स्लाइड करना है। जैसे दोस्तों आप नीचे में स्लाइड करते हो तो आपको नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मोर सेटिंग का। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि मोर सेटिंग पर टच कर देना है। अब जैसे आप मोर सेटिंग पर टच करते हो तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखने को मिलते होंगे, जो कि दोस्तों आप यहाँ से बहुत सारे हैंडल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैं नया फीचर के बारे में बताने वाला हूँ, तो आखिर वो नया फीचर कहाँ है, चलिए मैं अब चलते हैं नया फीचर की ओर। तो दोस्तों नया फीचर के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा ग्लास फॉर रियलमी। सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, इस पर टच कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप यहाँ पे टच करते हो तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी आपके फोन में क्या होगा कि ए वाला ऑप्शन टर्न वाला ऑप्शन क्या होगा कि अभी ऑफ होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसको इनेबल कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप इसको इनेबल करते हो ना, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लैंग्वेज पर, तो सिंपली आप लोग लैंग्वेज पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर रखा है, आप हिंदी को भी सेलेक्ट कर सकते हो ऐसे कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, केवल इंग्लिश को ही सेलेक्ट करते रहता हूँ। अब दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि थोड़ा सा नीचे आना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे फीचर देखने को मिल रहा होगा, यानी कि वॉलपेपर देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों आपको क्या कहना है कि आपको जो भी आपका पसंद आ रहा है, जो भी मतलब यहाँ से वॉलपेपर आपको पसंद है, उस वॉलपेपर को दोस्तों आपको क्या कहना है कुछ इस तरीके से ऐसे करके फॉलो कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे फॉलो करने के बाद दोस्तों आपको क्या कहना है कि सिंपली बैक आ जाना है। अब जैसे दोस्तों आप यहाँ पे बैक आते हो ना, तो दोस्तों ये क्या होगा ना कि दोस्तों जैसे अपने फोन के पावर बटन को प्रेस कीजिएगा, यानी कि अपने फोन को लॉक कीजिएगा, तो दोस्तों क्या होगा ना आपके फोन के डिस्प्ले पर इमोजी चेंज होते रहेगा, यानी कि दोस्तों जो वॉलपेपर है वो चेंज होते रहेंगे, यानी कि जितना बार आप लॉक कीजिएगा उतना बार दोस्तों आपका वॉलपेपर चेंज होगा, जो कि दोस्तों ये काफी कमाल का फीचर ऐड किया गया है एंड्रॉइड 12 के अंदर Realme C35 में, जो कि दोस्तों ये पहले फीचर नहीं था, अब ऐड कर दिया गया है। और दोस्तों ये फीचर का काफी लोगों का इंतजार था कि भाई हमारे फोन के अंदर बैकग्राउंड चेंजिंग का ऑप्शन जो है वो कब देखने को मिलेंगे। तो फाइनली दोस्तों आप लोग के फोन में आ चुका है, तो जाइए इसको यूज कीजिए। और आई होप आप लोग को जो मैं फीचर बताया काफी कमाल का लगा होगा, यानी कि काफी बेस्ट अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों को अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।